नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो YouTube का सेकंड पेमेंट है वो कितना आया है, एंड मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि YouTube हमें किस चीज़ का पैसे देती है, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने व्यूज़ पर कितना डॉलर हमें मिल जाता है YouTube से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करके भी पूछते थे ये चीज़, एंड Instagram में भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि मुझे कितना मतलब पेमेंट मिलता है YouTube की तरफ से। तो वीडियो छोटा सा होने वाला है, बट अगर आप एक YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हो तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लेना। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा पेमेंट हमें कितना मिलता है, कितना व्यूज़ पर। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी मेरे से पूछ चुके हैं कि भाई सब्सक्राइबर का पैसा मिलता है क्या। तो सब्सक्राइबर हो गया, लाइक्स हो गया, कॉमेंट्स हो गया, वो सारा का पैसा नहीं मिलता आपको यूट्यूब की तरफ से। आपको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का पैसा मिलता है, उसमें से भी व्यूज़ जितना भी जाए आपका, लेकिन उस व्यूज़ पर जो एड रन होता है, उस एड में जितना क्लिक आता है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है YouTube की तरफ से। और ऐसा भी नहीं है कि YouTube में कोई भी वीडियो डालेगा तो सभी को पैसा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए YouTube का एक क्राइटेरिया है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके साथ साथ 4000 घंटा का वॉच टाइम होना चाहिए एक साल में, तभी जाकर के आपका जो चैनल है वो YouTube पार्टनर प्रोग्राम में ऐड होता है, अप्रूव्ड होता है। तो अप्रूव्ड होने के बाद जितना भी व्यूज़ जाता है हमारे वीडियोस पे, उन वीडियोस पे एड्स आते हैं, उन्हीं एड्स का हमें पैसा मिलता है। तो ये हो गया। फिर मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद $10 हो जाता है, उसके बाद आपको गूगल की तरफ से एक एडसेंस वेरिफिकेशन पिन भेजा जाता है, उसको वेरीफाई करोगे, उसके बाद आपका जो अकाउंट है उसमें आप बैंक डिटेल्स डाल करके अपना रेवेन्यू ले सकते हो। बट इसके लिए आपको एटलीस्ट $100 होना चाहिए आपके एडसेंस अकाउंट में, तभी आपको यूट्यूब की तरफ से पेमेंट भेजा जाता है। तो ये एक थ्रेशोल्ड है, $100 होगा तभी आपको पेमेंट मिलेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि यूट्यूब की तरफ से हमें कब पेमेंट मिलता है, मतलब कि 22 तारीख को आपका जो पेमेंट है वो उधर से रिलीज़ कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। उसके बाद आपको 28-27 तारीख तक में मिल जाता है आपका पेमेंट। जैसे मेरे को मेरा जो सेकंड पेमेंट है वो 22 को रिलीज़ किया गया, लेकिन आने में 26 तारीख लग गया, तो 3-4 दिन में आ ही जाता है हमारा पेमेंट। अभी हम लोग देखते हैं कि YouTube में हमें कितना व्यूज़ पर कितना डॉलर मिलता है, उसके बाद आके देखेंगे कि मेरे को सेकेंड पेमेंट जो है कितना आया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपका व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो डॉलर बनता है वो आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है। जैसे टेक का कैटेगरी हो गया, या कॉमेडी हो गया, या ब्लॉगिंग हो गया, सारे कैटेगरी में अलग अलग रेवेन्यू मिलता है आपको, अलग अलग डॉलर मिलता है आपको अलग अलग व्यूज़ के। यानी कि आपका जो डॉलर बनता है यूट्यूब की तरफ से वो डिपेंड करता है कि आपका किस कैटेगरी का चैनल है। उसके साथ साथ आपका जो RPM है वो भी डिपेंड करता है कि कितना है। जैसे मेरा RPM अभी चल रहा है $0.50, तो यहाँ पे 50 सेंट का मेरा अभी चल रहा है RPM। तो ये कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कीवर्ड के हिसाब से चेंज होते रहता है। और आपका एक चीज़ डिपेंड करता है कि आपका जो व्यूज़ है किस कंट्री से आ रहा है। लाइक अगर आपका व्यूज़ US से आ रहा है तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, इंडिया से बहुत ही ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो अभी हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि मेरे को कितना व्यूज़ में कितना डॉलर बना है। तो एक वीडियो में एग्जांपल पे दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं मेरा ये वीडियो है, इसमें 4000 व्यूज़ है मेरा। 4000 व्यूज़ में मेरे को यहाँ पे $2 बन चुका है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा ही रेवेन्यू है। तो अभी हम लोग सीधे बात करते हैं कि मेरा जो पेमेंट है वो कितना आया। मैं डायरेक्टली अपना YT स्टूडियो का ऐप नहीं दिखा सकता, क्योंकि YouTube वाला ये मतलब अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ रखते हैं कि अपना पेमेंट डायरेक्टली शो नहीं करना है करके। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली शो नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फ़ोन मैं अभी बाय कर सकता हूँ, मेरा जो सेकंड पेमेंट आया है इससे, तो इतना मेरे को पेमेंट मिला है। बाकी नेक्स्ट मंथ भी पेमेंट आने वाला है, तो देखते हैं कितना पेमेंट आता है। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, एंड अगर आप लोग भी ऐसी अर्निंग करना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट करना, ताकि मैं आप लोग का हेल्प कर सकूँ ऐसी ही वीडियोज़ बना के। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, अब मैं इस चैनल पर आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे टेक्निक है ऑनलाइन अर्निंग के, सारा कुछ मेथड आप लोग के साथ शेयर करूँगा मैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।